इस्लामाबाद में इन्वेस्टमेंट एक्सपो 2023 का इनेकाद मकसद महफूज सरमायाकारी से आगाही था। मुल्क भर से मालियाती इदारों, आईटी समेत दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वालों ने शिरकत की। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज और सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जेर एहतमाम होने वाले एक्सपो से मुतालिक देखते हैं। इस्लामाबाद से इमरान अकूमल की रिपोर्ट। अपने सरमाए को महफूज बनाए, मुस्तकबिल के सहारे को नौसरबाजों से बचाएं, महफूज सरमायाकारी की आगही। इस्लामाबाद में सजा इन्वेस्ट एक्सपो। पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज ने इस्लामाबाद के मकामी होटल में इन्वेस्ट एक्सपो 2023 का इनेकाद किया, जिसमें मुल्क भर से मालियाती अदारे, आईटी के शोबे से वाबस्ता कंपनियां, रियल इस्टेट और मुख्तलिफ चैम्बर्स ने शिरकत की। मकसद सिर्फ सार्फ को सरमायाकारी महफूज बनाने से मुतालिक आगाही है। चेयरमैन एससीसीपी आसिफ सईद ने एक्सपो को बेहतरीन करार देते हुए कहा कि जालसाज और धोखेबाजों के हाथ ना आए, बल्कि रजिस्टर्ड इदारों पर यकीन करें। किसी ने भी कोई लोन लेना है, सबसे पहले तो वो वहाँ जाके देखे कि वो ऐप उसमें मौजूद भी है या नहीं। यस बटन दबाने से पहले आदमी को बहुत कुछ पता होना चाहिए। मुंतजमीन ने कहा एक्सपो का मकसद अवाम को वन विंडो एजुकेशन फराहम करना है। SIF has given a one platform, आप वहाँ जाएं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जितनी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आपको चाहिए वो आप आए और वो सारा आपका वन विंडो ऑपरेशन जो है वो अवेलेबल हो गया पाकिस्तान में। तो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द इन्वेस्टर्स टू कम। स्टॉल होल्डर्स आने वाले शुरका को मालूमात फराहम कर रहे हैं तो शहरी भी वक्त की जरूरत करार दे रहे हैं। ऐसे इवेंट्स का पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की तरफ से, फ्लोरेट कमोडिटीज की तरफ से, ऐसे इवेंट्स का मकसद ही है कि हम लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी कन्वे कर सके कि वो किस तरह से इन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं एक लीगल प्लेटफॉर्म के थ्रू। मर्केंटाइल एक्सचेंज का लोगों को नॉलेज ही नहीं होता और हमारा बेसिकली मोटिव ये होता है कि हम नॉलेज दें। इन्वेस्ट एक्सपो में इंतजामिया की जानिब से मेहमानों को यादगारी शील्डें भी दी गयी। इमराना कोमल, आज न्यूज़ इस्लामाबाद।